बॉलीवुड एक्टर सलमान खान बीते कई दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। टाइगर 3 किसी का भाई किसी की जान के अलावा एक्टर सलमान खान फिल्म दबंग 4 को लेकर भी लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। सलमान खान का दबंगई अंदाज हर किसी को बेहद ज्यादा पसंद आता है। वहीं उन्होंने चुलबुल पांडे के किरदार से दर्शकों का दिल तो जीत ही लिया है। दबंग 3 के सफलता के बाद दर्शक इस फिल्म के चौथे पार्ट का बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। सलमान खान की फिल्म दबंग 4 को उनके भाई यानी कि अरबाज खान डायरेक्ट करने वाले हैं। ऐसे में अरबाज खान ने इस फिल्म को लेकर एक नई अपडेट दे दी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों अरबाज खान अपनी अपकमिंग वेब सीरीज यानी कि तनाव के प्रमोशन में जमकर बिजी चल रहे हैं। इस सीरीज में अपने दमदार किरदार से वो दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आने वाले हैं। तनाव वेब सीरीज में अरबाज खान के अलावा माही विज, रजत कपूर, जरीना वहाब और सत्यदीप मिश्रा भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वेल दोस्तों आपको बता दें कि अरबाज खान की वेब सीरीज तनाव वैसे इजरायली शो फौदा का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। सुधीर मिश्रा और सचिन कृष्णा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज तनाव 11 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म सोनी लीव पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में वेब सीरीज तनाव के प्रमोशन के दौरान जब अरबाज खान से सलमान खान की फिल्म दबंग 4 को लेकर सवाल किया गया तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सलमान खान और वो जल्द ही इस फिल्म को शुरू करने वाले हैं। हालांकि कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स के अग्रीमेंट के चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मगर जैसे ही वो दोनों अपने प्रोजेक्ट से फ्री हो जाते हैं तो वो दबंग 4 पर काम करना शुरू कर देंगे। इस दौरान अरबाज खान ने ये भी खुलासा किया है कि दबंग 3 और दबंग 4 के बीच ज्यादा लंबे समय नहीं होगा। वेल दोस्तों बता दें कि अरबाज खान की इन बातों से साफ तो हो ही गया है कि वो और सलमान खान मिलकर जल्द ही दबंग 4 को लेकर काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, दबंग 4 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।